नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श और आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ये सोलाना के बारे में, जितनी अपडेट्स आ रही हैं कि शायद सोलाना भी अभी डंप हो जाएगा, बिल्कुल टेरा की तरह यानी कि लूना की तरह इसमें भी बिल्कुल प्राइस जीरो हो जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसी वीडियो में इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया के कल के दिन मैंने आपको ETF की न्यूज़ दी, लेकिन अभी दो तीन और अच्छी न्यूज़ आई हैं कि इंडिया में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है। क्रिप्टो का खुद का इंडेक्स आ रहा है इंडिया में, जो कि कॉइनस्विच कुबेर के द्वारा लाया जा रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड तीसरी चीज़ की मार्केट में अभी भी डंप क्यों चल रहा है, एंड दो तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डंप अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, जिसके पीछे मेन रीज़न तो US से ही है, तो वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वॉलफेयर ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का मानना है कि शायद सोलाना भी ऐसे गिर जाएगा, सोलाना और टेरा दोनों डिफरेंट एंटिटीज थी इतना तो हम जानते ही हैं, लेकिन टेरा में क्या हुआ कि वहाँ जो स्टेबल कॉइन है उनका USD, उसका पेग ऊपर नीचे हो गया था, यानी कि $1 के बराबर नहीं था वो, धीरे धीरे USD का प्राइस $1 से नीचे गिरना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से USD फेल हुआ। USD फेल होने की वजह से उन्होंने अपने रिजर्व्स के फंड्स जो थे वो USD में डाले, USD में और ज़्यादा बाइंग करी ताकि शायद प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इवेंचुअली USD को देखते हुए लूना में भी सेलिंग होना शुरू हो चुकी, एंड लूना में बहुत बड़ी गिरावट देखी हमने, उसमें 0.000 पता नहीं कितनी जीरोस देख ली, प्राइस बहुत बुरा डंप हुआ। हालांकि अभी वो अपनी खुद की नई चेन लेकर आ चुके हैं, नए लूना डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड अगर आपके पास वजीरेक्स है तो वजीरेक्स का आज के दिन उन्होंने जो LUNC है वो लिस्ट कर दी है, जो कि फंडिंग पेज के ऊपर है, फंड्स के ऊपर है, जिसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं वजीरेक्स से बाइनेंस और बाइनेंस से वजीरेक्स तक। तो ये तो थी टेरा की स्टोरी, लेकिन सोलाना जो है टोटली डिफरेंट एंटिटी है। सोलाना में जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है ना, वो कंजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इसके ब्लॉकचेन में हॉल्ट्स आ जाते हैं, हॉल्ट्स मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, जब बिल्कुल नया सोलाना आया था ना, सोलाना आया और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, टॉप 10 की पोजीशन में आना शुरू हो चुका था, तो उस वक्त भी सोलाना इस तरीके का कॉइन था जिसमें जिसके प्रोजेक्ट में हमेशा ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। और आज बाइनेंस ने आप खुद पोस्ट किया है कि सोलाना में कंजेशन आया है, ये स्लो डाउन हो चुके हैं इनकी चेन, लेकिन सच्चाई ये है कि बाइनेंस का खुद का चेन ही कंजेशन में रहता है, उनके खुद जो चेन है स्लो हो जाती है, कई बार वहाँ कन्फर्मेशन लगातार चलती रहती हैं, ट्रांजैक्शन बहुत स्लो हो जाती है, और ये खुद मैसेज डालते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन स्लो चल रही है, आप ट्राई कोई और चेन को ट्राई कर लो। फॉर एग्जांपल आप USDT ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, BSD ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप किसी और चेन को यूज़ करो, हमारी बाइनेंस चेन को मत यूज़ करो। तो ये सिचुएशन कोई बहुत नई सिचुएशन नहीं है या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हॉल्ट्स आते हैं, क्योंकि सोलाना का एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, हमेशा इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम विद इन 12 आवर्स सॉल्व कर लेते हैं या फिर विद इन 24 आवर्स पूरा सॉल्व कर देते हैं, और यही इनकी एक सबसे अच्छी खासियत है, जिसकी वजह से सोलाना हमेशा टॉप 10 पोजीशन में रहा है और इसके प्राइस में जो इंक्रीज़ है लगातार आता रहता है हमेशा। तो सोलाना नेटवर्क में स्लो डाउन आया, थोड़ा कंजेशन आया, और इससे क्या कि वॉल्यूम जो थी सोलाना नेटवर्क के ऊपर विड्रॉल्स की वो फेल होना शुरू हो चुकी थी, बाइनेंस के ऊपर खासकर, तो बाइनेंस ने लेकिन अभी रिसेंटली डिपॉजिट में विड्रॉल्स दोबारा शुरू कर दिए, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या है कि विड्रॉल रेट जो था ना वो 60% तक पहुँच चुका था, अगर बाइनेंस के ऊपर सोलाना की ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेरा और सोलाना दोनों डिफरेंट है, पहली चीज़। दूसरी हम कवर करेंगे इंडिया, एंड तीसरा कवर करेंगे USA जो ग्लोबल डंप, और इंडिया हम चेक करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो इंडिया की बात करें, यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, आप खुद भी जानते हैं, ब्रेन ड्रेन चल रहा है इस वक्त, वजीरेक्स पूरा दुबई में चला गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। CBDC की कल परसों ही बात करी गई थी कि CBDC के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, इसका खुद का फ्रेमवर्क बन रहा है, अभी क्रिप्टो करेंसीज का एक खुद कंसल्टेशन पेपर बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जल्द ही डिस्कशन भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे कुछ काम इंडिया में चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आज ही डाटा सामने आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्ले टू अर्न गेम्स सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें USA भी नहीं आता, कैनेडा नहीं आता, UK नहीं आता, फिलीपींस दूसरे नंबर पर आता है, और सबसे पहले नंबर पर इंडिया आता है। प्ले टू अर्न गेम्स की जो वॉल्यूम है इंडिया में 33.8% है, जो इस वक्त खेली जा रही है, सबसे ज़्यादा इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड
बहुत अच्छी बात है, अर्निंग भी कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से एक कमाई करने का जरिया और साधन भी मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से कुछ तो सोचना चाहिए कि इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और भी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को यही काम करना चाहिए और इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी। कल के दिन एक और अपडेट आई थी ETF के बारे में कि जो नावी म्यूचुअल फंड्स हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ उनका म्यूचुअल फंड्स है, वो भी अभी ETFs लिस्ट करवाने जा रहे हैं। उन्होंने जो रिक्वेस्ट है सेबी को भेज दी है, अगर सेबी अप्रूव करता है तो नए क्रिप्टो ETFs आएंगे, जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड नहीं भी करेंगे, तब भी वो एक ETF में पार्टिसिपेट करके इनडायरेक्ट एक्सपोजर ले पाएंगे क्रिप्टो करेंसीज का, तो जिसमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, क्योंकि अभी डंप में चल रहा है। एक नया ETF अभी जो बनेगा उसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी, ना कि नीचे गिरेगी। अगर हम बाकी ETFs की बात करें, जैसे कि ASKL है या फिर और भी हैं, तो उनकी ETFs की वैल्यू लगातार नीचे गिर रही है क्योंकि इस वक्त डंप चल रहा है। लेकिन डंप में ही अगर ETF शुरू किया जाएगा तो देन मोस्ट प्रॉबली वैल्यू ऊपर जाएगी। आखिरी चीज़ क्रिप्टो करेंसीज की कि यहाँ क्रिप्टो रूपी इंडेक्स बनाया जा रहा है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि अभी इंडियन जो एक्सचेंज है कॉइनस्विच कुबेर, उन्होंने खुद अपना अनवील किया क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को रूपी के साथ लिंक किया जाएगा। इसमें 8 बिगेस्ट क्रिप्टो एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जब भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जब भी इंडिया से आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शायद इंडिया भी आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे दबाने की हमें कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट मंथ भी आने वाला है, जल्द ही TDS भी लागू हो जाएगा, तो इग्नोर दैट फॉर द मोमेंट। अभी हम बढ़ते हैं USA की तरफ। तो USA में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हम ऑलरेडी जानते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाई करेंगे, एंड इंटरेस्ट रेट्स अभी 2-3 बार ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 50 बेसिस पॉइंट्स से फिर से इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऑलमोस्ट 96% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ाएंगे रेट्स, जिससे एक बार फिर से प्राइसेस नीचे गिरेंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगी, वॉलिटिलिटी बढ़ेगी क्रिप्टो करेंसीज में, शॉर्ट्स को फ़ायदा होगा, एंड ऑब्वियसली प्राइस नीचे गिरने के बाद ऊपर भी बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़ इन्होंने की है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो यह कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है ना, वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को रोकने जा रहे हैं। वहाँ जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं USA, और उनका ये भी मानना है कि इससे जो ओवरऑल अर्थ को है, हमारे प्लैनेट को भी बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है इससे। यानी कि इस तरीके की एनर्जी जो यूज़ की जाती है, इट्स नॉट रिन्यूएबल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इट कॉजेस पोल्यूशन, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। यानी कि माइनिंग को एक सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, हालांकि हम भी जानते हैं कि सिर्फ माइनिंग ही सब कुछ नहीं है, और भी कई सारे कारण हैं। तो इन्फ्लेशन को लेकर, चाहे क्रिप्टो माइनिंग के बैन को लेकर, सिक्योरिटाइज को लेकर, अगर USA की बात करें तो USA का जब भी ऐसा डिसीजन आता है वो मार्केट को नीचे गिराते हैं। यही कारण है कि BTC का प्राइस अभी भी जो है वो $29,000 के आसपास फिर से वापस आ चुका है, वरना कल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 29,000 से लेकर 31,5 तक पहुँच चुका था। तो ये सारी अपडेट्स थी इंडिया की USA की। एंड हाँ, सोलाना इस तरीके का परफॉर्म नहीं करेगा। बार बार मुझे एक ही सवाल पूछा जा रहा था हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना देता हूँ। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्फ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉल्फ्रेड ऑफिशियल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।